नमस्कार। तो क्या होता है जब कड़ी कड़ाई मेहनत पर पानी फिर जाता है। हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में। तो जहां शिवराज सिंह चौहान और मोदी के नाम पर मध्य प्रदेश में वोट मिले थे, ज्यादातर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मिले थे क्योंकि वे वहां के मुख्यमंत्री थे और उनकी कई स्कीम कारगर भी साबित हुई थी, जैसे कि लाडली बहना स्कीम थी जो जिसके जरिए भाई लाडली बहनों ने शिवराज सिंह चौहान को अपना मत दिया था भाई, अपना वोट दिया था, कीमती वोट दिया था। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने भी काफी अच्छी स्कीम चलाई थी लाडली बहना, जिसमें आर्थिक तौर पर बहनों को मजबूत किया जा रहा था। और भी कई स्कीम थी शिवराज सिंह चौहान की जो कारगर साबित हुई थी, जिसके बाद भाई मध्य प्रदेश का रिजल्ट आता है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मोहन यादव के नाम से घोषित कर दिया जाता है। यानी कि शिवराज सिंह चौहान इस बार अब मुख्यमंत्री नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने भी नहीं सोचा होगा कि भाई इस बार मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा। हालांकि भाई मोहन यादव को भी नहीं पता होगा कि इस बार वे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब मीडिया इस चीज को एक मास्टर स्ट्रोक बता रहा है कि मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है जिससे मोदी जी 2024 का इलेक्शन जीत जाएंगे। और जिसके बाद अब देखा जाए तो बीजेपी के काफी कार्यकर्ता ऐसा कह रहे हैं कि ये इस तरीके से भी लिया गया है कि बीजेपी में हर एक जो भी व्यक्ति है, काम करता है, हर एक नेता है, छोटा नेता है, बड़ा नेता है, सबको अपने पद से बड़े पद में जाने का मौका मिलता है। यानी कि इस तरीके से भी देखा जाए कि अभी तक का मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव छोटे पद पर थे, अब उनको बड़ा पद सौंप दिया गया है। यानी कि बीजेपी में हर एक जो व्यक्ति है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मीडिया इस तरीके से दिखा रहा है, बीजेपी के काफी समर्थक भी इस तरीके से बात बता रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का भी दर्द साफ देखने को मिला जब वे अपनी लाडली बहनों से मिलते हैं और लाडली बहनें कहते हैं कि हम तो आपको वोट दिए थे, हमने आपको सोचा था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आप ही बनेंगे, लेकिन आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। जिसके बाद भाई शिवराज सिंह चौहान भी भावुक हो गए थे, वे रोने भी लगे थे। इस तरीके से दो बार शिवराज सिंह चौहान की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें भाई रोने लगे थे लाडली बहनों से मिलकर। तो आखिर इस बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर।